त्या तो पहले हिंदू अलवा सुतल अब अब जगल अब कलबू ना मार देते बा भाऊ आई लाठी पिलावल जोबा ना घुस जतवा पिछवाड़ा में सारे राष्ट्रवादी संगठन सब हमारे भाई हैं और सब दिल में बसते एक तरफ सनातन तो एक तरफ बजरंगी भाई सबका कंधा से कंधा मिलकर रहेगा बाबा के कार्यक्रम तक कहीं कोई विरोधी नहीं दिखा बाबा के आगे कहीं कोई विरोधी नहीं दिखा उनके पीछे चचा का हाथ है गांधी मैदान वाले चचा का हाथ है गिरफ्तारी तो हुआ मीडिया के नजर में हिंदू को हमेशा टारगेट किया जाता है हिंदू कभी हिंदू ही टारगेट करता है हिंदू को हिंदू ही टारगेट करता है चचा अरे चचा चचा गंजेरी चचा आपको पता नहीं है कौन चचा बिहार के चचा नीतीश चचा इन्हीं का नाम इन्हीं का नाम है कि हनुमान कथा को रोकेंगे और नमाज को हम रोकिए बाबा का ये आदेश है कि हमारे हिंदू के विरुद्ध जो खड़ा होगा उसको बुलडोजर से गिरा दो तो बाबा वही काम करते हैं अडवाणी को गिरफ्तार किए तो राम जी के कार्य में निकले थे अभी कहाँ फेंकाइल है कहाँ फेंकाइल नकटेड़वा नकटेड़वा कहाँ फेंकाया हुआ है कहाँ फेंकाया हुआ है अभी है उसका हस्ती यूपी में डीएस है उस डीएसएस नाम नहीं उनका आपको हम क्लियर कर दे रहे डिस्टर्ब सेवा संघ जितने मेंटली मानसिकता रोगी है ना वो लोग सब वही है डीएसएस वो लोग अपना बना रहा है एक प्रकार से वो लोग रसूल सेवा संघ बना रहा है रसूल सेवा संघ बना रहा है वो लोग कुछ ना कुछ गलत करने का प्रयास करेगा पर बिहार की धरती एकदम शुद्ध इसके पहले हाँ उससे पहले अशुद्ध थी बाबा के हाँ बाबा के चरण पड़ते ही बिहार की धरती शुद्ध हो गई इतने विरोधियों है ना सारे विरोधियों को आज छठरी बजा बजा के जवाब मिलेगा नौबतपुर के जमीन से अरे एक राष्ट्रवादियों को बाबा का एक झलक मिल गया राष्ट्रवादियों को उसके बड़ा क्या चाहिए हाँ हम लोग सनातन धर्म की सेवा में 24 आवर आप लोग को मिलेंगे मेरे पीछे होटल पनास आप देख रहे होंगे और यही होटल है जहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो ठहरे हुए हैं पटना एयरपोर्ट से डायरेक्ट होटल पनास में आए हुए हैं इनका यहाँ पर ठहराव है और यहाँ से वो नौबतपुर जाएंगे कहा यह भी जा रहा है कि पटना में हनुमान मंदिर है वहाँ भी जाने का प्रयास करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद कहीं और जाएंगे लेकिन समर्थकों का हुजूम जो है बाबा के एक दर्शन के लिए यहाँ पर रुका हुआ है तमाम समर्थक बाबा के साथ आए हैं और सबसे बड़ी बात कि भाजपा के सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी बाबा के सारथी बनते हैं और गाड़ी एयरपोर्ट से होटल पनास तक लाते हैं तमाम समर्थक यहां पर हैं समर्थकों से भी हम बात करेंगे कि कैसा लग रहा है बाबा यहां पर आए हैं कहां से ये आए हैं कहां से आए हैं भैया ये कहां से हम समस्तीपुर जिला से बाबा का दर्शन हुआ हाँ हो गया कैसा लग रहा बहुत ही अच्छा क्या लगता है कि बाबा जो कहते हैं वो सच कहते हैं एकदम सच कहते हैं सच कहते हैं सच बोलते हैं काहे बनाएंगे जी काहे बनाएंगे हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाएंगे सनाती धर्म जिंदाबाद जिंदाबाद कहाँ से आए हैं जय श्री राम कहाँ से आए कहाँ से आए हम ये पटना से आए हैं दर्शन हुआ बाबा दर्शन हुआ पूरा दिल गदगद है बाबा पटना में आए और बिहार की धरती एकदम शुद्ध हो गई बिहार की धरती एकदम शुद्ध हो गई पहले अशुद्ध थी हाँ उससे पहले अशुद्ध थी बाबा के हाँ बाबा के चरण पड़ते ही बिहार की धरती शुद्ध हो गई अशुद्ध हो गई तरह तरह की गतिविधि बिहार में चलते रहती है इसलिए अशुद्ध थी अब बाबा का आते शुद्ध हो गई कहीं कोई विरोधी नहीं दिखा बाबा के आगे कहीं कोई विरोधी नहीं दिखा यार आप भी तो थे वहाँ एक भी विरोधी दिखा एक भी विरोधी दिखा सनातन धर्म को मानने वाले सभी हैं सभी सनातन धर्म को मानने वाले हैं राजनीतिक माहौल टाइट करने के लिए तरह तरह की बयानबाजियां देते हैं क्यों देते हिंदुओं का हिंदू को हमेशा टारगेट किया जाता है हिंदू कभी हिंदू ही टारगेट करता है हिंदू को हिंदू ही टारगेट करता है हिंदू को हिंदू ही टांग खींचने का काम करता है एक भी विरोधी कहीं भी नहीं दिखे सब सनातन धर्म के प्रेमी हैं और सब सनातन धर्म मानने वाले हैं और सब बाबा के पुजारी हैं देख लीजिए ये तस्वीर किस तरीके से मनोज तिवारी जो वो बाबा के कमरे में है और मनोज तिवारी देख रहे हैं कि किस तरीके से होटल पनास के बाहर समर्थकों का भीड़ है और ये मनोज तिवारी जो है वो बालकनी में आकर देख रहे हैं कि समर्थक कितने हैं और बाबा के जो शिष्य हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं इसी कमरे में बाबा जो है वो रुके हुए हैं और मनोज तिवारी उसी कमरे में
ठीक बाहर देख रहे हैं कि समर्थकों का भीड़ कम हो रहा है, हुजूम कम हो रहा है, या फिर उसी तरीके से समर्थक बाहर खड़े हैं। देखिए ये मनोज तिवारी जो कि सारथी की भूमिका निभा रहे थे बाबा के गाड़ी का, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गाड़ी को चलाते हुए वो यहाँ पहुँचे हैं, और ये तमाम लोग भगवा पहन के पंडित जी हैं। कहाँ कहाँ से आए हैं? हम लोग बेगूसराय से सर आए हैं। जी दर्शन हुआ? जी दर्शन तो महाराज जी का बहुत बार होता है, क्योंकि हम लोग 4 साल से वहाँ जुड़े हुए हैं, जाते हैं बागेश्वर धाम। जुड़े हुए? जी बागेश्वर धाम हम 4 साल से करीब जाते हैं। क्या लगता है कि वाकई में चमत्कारी है या फिर ढोंग करते हैं? ये तो समझिए आदमी का अपना अपना नजरिया है। मेरे नजरिया से तो समझिए वो इस कलयुग में सबसे बड़े और अच्छे संत हैं, और वो भगवान की, हनुमान जी की और राम जी की आराधना करते हैं। इसमें गलत क्या है? गलत क्या हो सकता है इसमें? कुछ गलत नहीं हो सकता। देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं, कहाँ से हैं भैया? पटना से ही हैं। पटना से ही हैं। हुआ होगा? होगा, काहे नहीं होगा, अभी तो नहीं हुआ है, तरेत पाली मठ में तो जरूर होगा। वाले देखिए क्या DSS वो लोग अपना बना रहा है, एक प्रकार से वो लोग रसूल सेवा संघ बना रहा है, रसूल सेवा संघ बना रहा है। वो लोग कुछ ना कुछ गलत करने का प्रयास करेगा, पर हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग बाबा के लिए आए हैं, बाबा का दर्शन करेंगे, इनका कथा सुनेंगे, बाकी जो इन लोगों को करना है करते रहे। क्या क्या बोल रहे थे? और आपको दिख रहे हैं कहीं? तो कह रहे थे कि एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट पे दिखे आपको? एयरपोर्ट पे आप गए थे? सुबह सुबह भी गए थे वहाँ पे। एयरपोर्ट पे आपको कोई दिखे? पुलिस बल तैनात थे, हम लोगों को हटा दिया गया, बोला कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। समर्थकों को भी हटा दिया गया? हाँ सभी को वहाँ से हटा दिया गया, हर जगह पाबंदी बहुत सारा लगाए हुए, वहाँ अंदर जाने नहीं दिया गया। देखिए ये तस्वीर होटल पनास के बाहर की है, तमाम समर्थक जो है वो यहाँ पर है, हाथों में भगवा झंडा और खुशी का एक माहौल। कहाँ से आए हैं भैया? हम लोग पटना की पावन धरती से, हम लोग पटना से ही हैं, बिलोंग करते हैं। हाँ कैसा लगा बाबा का? अरे एक राष्ट्रवादियों को बाबा का एक झलक मिल गया, राष्ट्रवादियों को उसके बड़ा क्या चाहिए। हाँ हम लोग सनातन धर्म के सेवा में 24 आवर आप लोग को मिलेंगे। हाँ, एकदम एकदम बाबा के चेला, एकदम ठठरी जिसको बजाते ना, जितने विरोधी है ना, सारे विरोधियों को आज ठठरी बजा बजा के जवाब मिलेगा नौबतपुर के जमीन से। एकदम एकदम निश्चित। दिक्कत किसको? दिक्कत DSS नाम नहीं उनका, आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं, डिस्टर्ब सेवा संघ। जितने मेंटली मानसिकता रोगी है ना, वो लोग सब वही हैं सारा, मतलब कि प्रजाति है वहाँ पे, हर नस्ल के लोग वहाँ आपको मिल जाएंगे, इजिली मिलेंगे। हाँ एकदम। हाँ परेड देखे थे? एक मूसा का परेड आता है बैंड पार्टी, उससे भी अच्छा पार्टी वो बजाता है, परेड करता है, उनको तो लूट था, पूछिए तो बुद्धि कैसे टूटना में जो होता है ना, वही ओरिजिनल चीज वहाँ दिखा। अरे यहाँ बाजुओं में राम का ताका था, दिल में तेल पिलाए थे, अभी खुद चेयर पर बैठ के तेल पी रहे हैं। जी हाँ प्रभु राम के काम में जो टांग अड़ाएगा भैया। अडवाणी को कौन गिरफ्तार किया, भूल गए? अडवाणी को? अडवाणी को गिरफ्तार की है तो राम जी के कार्य में निकले थे। अभी कहाँ फेंकाएल है? कहाँ फेंकाएल? नकटेड़वा? नकटेड़वा कहाँ फेंकाया हुआ है? कहाँ फेंकाया हुआ है? अभी है उसका हस्ती यूपी में, कहाँ फेंकाया हुआ है? लाठी पिलावल जो ना घुस जतवा पिछवाड़ा में, तेल घुमावन कोची कर, तेल पिलावन लाठी घुमावन रही कुछ ना, डरावे हो हल्ला, जो हल्ला गुदा। मतलब ये भी तो हिंदू है ना? हिंदू है भाई तो हिंदू, हिंदू वाला काम कीजिएगा ना, हिंदू वाला कीजिएगा ना। मिक्स है, खाना में मिक्स भेज चलता है, वही मिक्स भेजो, वही मिक्स भेजो। दोगला नहीं बोले, दोगला अंग्रेजी का बोला, दोगला बस, दोगला जस्ट लाइक दोगला। हिंदू हिंदू का विरोध कर बाबा आ रहा है, थोड़ा बाबा कर रहे हैं कि तुम कटपीस बन जाओ, तुम पूजा पाठ करो। किसी मुस्लिम का विरोध नहीं करता है। पूजा पाठ तेज प्रताप यादव से ज्यादा? ये भैया तेज प्रताप यादव पूजा पाठ करते हैं, ठीक है ना? तो हमारे हमारे देवी देवी देवताओं धर्म में कब कहाँ दिखाया गया है कि कृष्ण भगवान को पूजा करना है और बजरंग बली के चेला को भगा देना है? कहाँ से ले, मतलब आपको धर्मों के बीच में लड़ाई?
कैसे लड़ाते हैं आप देखे हैं? अरे जी इनका कोई वीडियो देखे हैं? कहते हैं बुलडोजर खरीद लीजिए, कहने वाला बहुत कुछ कहता है। खुद बोले थे कि बुलडोजर खरीद लीजिए, बुलडोजर खरीद लीजिए, सही बात है। माफियाओं के लिए तो बुलडोजर नहीं तो गुलदस्ता लेके जाएंगे। खड़ा होगा उसके लिए बुलडोजर हमेशा चलेगा। बाबा का ये आदेश है कि हमारे हिंदू के विरुद्ध जो खड़ा होगा उसको बुलडोजर से गिरा दो, तो बाबा वही काम करते हैं। फर्क कितना है? पहले अपराधी को फूल भेजा जाता था। कौन फूल भेजता था भैया? कौन जो पहले के नेता सब था वो फूल भेजता था, जो करप्शन में एकदम पूरी तरह से लिप्त था। पंचर हो गया, छुच्ची जो है निकल गया है। अभी योगी जी को देख रहे हैं ना जी, कोई गलत काम कर रहे हैं योगी जी यूपी में? क्या गलत कर रहे हैं? किसी का घर ढा दे रहा है? ओ पटना में खुलेआम नारा लग सकता है। एक अपराधी छवि के इंसान का गिरफ्तार दो है उसका नारा गिर सकता है। हनुमान कथा में बागेश्वर बाबा का कथा में नारा नहीं लग सकता। बागेश्वर बाबा का नो एंट्री है। ये कहाँ का नियम है? गिरफ्तारी कहाँ? गिरफ्तारी हुआ? गिरफ्तारी हुआ उनके पीछे, उनके पीछे, उनके पीछे चचा का हाथ है, गांधी मैदान वाले चचा का हाथ है। गिरफ्तारी तो हुआ मीडिया के नजर में, गांधी मैदान वाले चचा। चचा अरे चचा चचा गंजेरी चचा, आपको पता ही नहीं है कौन चचा? बिहार के नाम चचा नीतीश चचा, इन्हीं का नाम, इन्हीं का नाम है कि हनुमान कथा को रोकेंगे और नमाज को हम किए हैं। जेडीयू का कोई विरोध किया? विरोध खुले तौर पे नहीं कर रहा, बंद कमरे में तो कर ही रहा है। यहाँ पे तो आपको जो भी दिख रहा है ना, जितना भी राज्य सरकार के ना, ये जो क्राउड भी आप देख रहे हैं ना, ये सब बुलाए गए पैसों पे भक्त नहीं है। ये जो पुलिस बल है वो तो राज्य सरकार के है ना, इतना तो सुरक्षा देना लाजमी बनता है। बाबा है, बाबा है, भारत वर्ष में उनका पूरा नाम है, नाम है राज्य सरकार उनका। पुलिस है नौबतपुर, हाँ तो देना मजबूरी है उनका। तीन 300 पुलिस में क्या होना है, जहाँ 4 लाख 5 लाख की पब्लिक श्रद्धालुओं की व्यवस्था है, वहाँ पे 10,000 वॉलंटियर है। 300 पुलिस की क्या व्यवस्था है? क्या आपको व्यवस्था है? अगर अभी सिख पर हो गांधी मैदान में गुरु गोविंद सिंह का, हजारों हजार की तौगात पे चौक चौराहे पे पुलिस की व्यवस्था दिखेगी। अभी आप नजर फैला के देख लीजिए कितनी पुलिस की व्यवस्था है, सिर्फ होटल के कैंपस के बाहर, सिर्फ कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर देख लीजिए। दिसंबर देख लीजिए आप एक बार झलक देख लेके, कहीं आपको व्यवस्था नहीं। बिहार में हिंदुओं का, बिहार में पुनः हिंदू का सरकार आएगा और सनातन का झंडा गड़ेगा, ये निश्चित है। और बाबा का आगमन होगा, अब तो ना मोहर लग गया 100% का, बाबा का पावन, बाबा का आगमन चरण उनका बिहार की पावन धरती पे पड़ गया। अब कोई माई का लाल रोक नहीं सकता भगवान को। ये माँ पटन देवी का धरती है, ठीक ना, गुरु गोविंद सिंह जी की कर्म भूमि है ये, ठीक है। और जितना भी राजनीति का अपना रोटी सेक रहा है ना, ऐसे वैसे भैलनवा चिकनवा ढेकनवा, वो सब रह जाएगा वो सही। अब बाबा अपना अनुमत कथा करके झंडा भगवा लहरा करके फिर से अपना बागेश्वर सरकार दिव्य दरबार वहाँ पे पर्ची कटेगा सभी हिंद सनातनियों का जी। मतलब फिर से दोबारा पूरा हर्षोल्लास के साथ फिर बाबा को बुलाएंगे, फिर बुलाएंगे, जब तक शरीर में जान रहेगा ना, प्रभु का नाम जपते रहेंगे। करना करे विरोध से क्या होता है, अच्छे चीजों का विरोध होता ही है, अच्छे चीजों का विरोध होता ही है। आप अच्छा हमारे पूर्वज में भी आप अच्छा काम कीजिए। जब यज्ञ होता था तो राक्षस लोग विघ्न डालने आते थे, यहाँ भी यज्ञ हो रहा है, राक्षस लोग आएंगे विघ्न डालने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्री राम सेना तैयार है, श्री राम सेना जी उनके लिए, सेना बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग सेना, हर संगठन, सारे राष्ट्रवादी संगठन, सब हमारे भाई हैं और सब दिल में बसते, एक तरफ सनातन तो एक तरफ बजरंगी भाई, सबका कंधा से कंधा मिलकर रहेगा बाबा के कार्यक्रम तक। अच्छा एकदम युवा है, हम लोग कभी भी कि हमारा धन जो धर्म है सनातन धर्म, कभी भी किसी धर्म के ऊपर लांछन लगाना और उसका बेइज्जती करना नहीं सिखाया, कभी भी नहीं। हम लोग कभी भी किसी धर्म का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा धर्म के बारे में विरोध करेगा वो मेरा विरोधी है। अन्यथा मेरा खुले तौर पर बोल रहे हैं, जो हमारे धर्म को विरोध करेगा हमारे लिए विरोधी है, अन्यथा हमारे लिए हमारा कोई धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई विरोधी नहीं है। हम किसी का विरोध, हाँ जो मेरा सनातन का विरोध करेगा वो मेरे लिए विरोधी है भैया, चाहे कोई भी हो। जो सनातन का विरोध करेगा वो विरोधी है। एक बार तस्वीर देख लीजिए होटल पनास का, इसी होटल में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आए हुए हैं और उसके ठीक बाहर सड़क पे समर्थकों की एक भीड़ है। भीड़ धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि अब भीड़ जो है वो नौबतपुर की तरफ प्रस्थान कर रही है, और समर्थक इसलिए भी आए थे कि देखते हैं विरोध कौन करता है। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, पटना के गांधी मैदान के जस्ट सामने
होटल पनास, और इस होटल पनास में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन, तमाम नेता यहां पर मौजूद, भाजपा के गिरिराज सिंह भी आए हुए थे और भाजपा सांसद भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी भी आए हुए थे और ये तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।